नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट या स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर के लिए जो वीडियोज मैंने बनाए हैं स्वतंत्रता के टॉपिक पर, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इसी श्रेणी में पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक ही बात बतानी है इसमें कि ये जो स्वतंत्रताएं थी ये सकारात्मक स्वतंत्रताएं थी या नकारात्मक स्वतंत्रताएं थी। तो इसका सही आंसर होगा कथन एक। यह है जो स्वतंत्रताएं हैं, जो चार स्वतंत्रताएं हैं यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जिसके बारे में अटलांटिक चार्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बताई थी, ये स्वतंत्रताएं सकारात्मक स्वतंत्रताओं का रूप है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है कि शक्ति का अर्थ संघर्ष में शामिल होना है, इसका समाधान करना और बाधाओं को दूर करना है। शक्ति का अर्थ संघर्ष में शामिल होना है, इसका समाधान करना और बाधाओं को दूर करना है। हालांकि टॉपिक क्या शक्ति का है, लेकिन स्वतंत्रता में भी पढ़ा था अपन ने। ऐसा कहने वाला विचारक कार्ल डिक्सन है। और जो अपने नोट्स पढ़े हैं उनके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो अपने नोट्स में नहीं पढ़े हैं। और इसका मेन पर्पज ये है कि अपने अप्रोच डेवलप हो पाए, जो क्वेश्चन जो चीज़ें अपने नोट्स में पढ़ी हैं वो एग्ज़ाम में यदि आती हैं तो सब लोग वही चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है। फिर तो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए अपने को अप्रोच डेवलप करनी होगी, वो प्रैक्टिस वो अभ्यास अपने को अभी से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा किससे प्रेरित थी? मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, ये घोषणा किससे प्रेरित थी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीले। सीले के अनुसार स्वतंत्रता जो है ये अतिशासन का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है? किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है? प्रतिबंध रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। ऐसी बातें करने वाला विचारक है जे एस मील, और इसीलिए जे एस मील नकारात्मक स्वतंत्रतावादी है। हालांकि ये बाद में सकारात्मक हो जाता है, लेकिन जे एस मील नकारात्मक स्वतंत्रतावादियों में ही गिना जाता है। इसका मेन कारण यही है कि लोगों को बिल्कुल नियंत्रण से बाहर करने की ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जैसा कि अपन जानते हैं कि किसने दिया है, बहुत फेमस है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत देने वाले प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो और यहाँ पर जॉन लॉक। फिर अपन बात करें नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, टी एच ग्रीन, ये यहाँ पर मेनली जो पेपर बना था उसमें, मतलब ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में बना हुआ पेपर था उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और ग्रीन को हरा ही लिख दिया।
ठीक है। तो टी एच ग्रीन, ग्रीन थिंकर थे यहाँ, हरा को ग्रीन कर लेना आप। ग्रीन जो विचारक हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं, उदारवाद, नकारात्मक सकारात्मक उदारवाद के बीच की कड़ी हैं, ये नैतिक अधिकारों का सिद्धांत देता है ग्रीन। कानूनी अधिकारों की बात यदि की जाए तो कानूनी अधिकारों का सिद्धांत की बात करने वाला विचारक इनमें से है जेरेमी बेंथम, और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्क। बर्क एक रूढ़िवादी विचारक है, तो ये ऐतिहासिक आधार पर अधिकारों को मानता है, रूढ़िवादी विचारक है। तो एक ऑप्शन भी आ गया सही, तो अपना आंसर आ जाएगा उसमें सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, नहीं है? तो अपन देखा था, अपने मील नकारात्मक में है जो अभी भी मैंने आपको बताया है, बर्लिन, फ्रिडमैन, हेयक, नोजिक, ये स्वेच्छातंत्रवादी हैं। कैसे विचारक हैं? स्वेच्छातंत्रवादी। और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक किनको कहा जाता है? अपन ने स्वतंत्रता में देखा था नकारात्मक स्वतंत्रतावादी और सकारात्मक स्वतंत्रतावादी। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो राज्य का हस्तक्षेप नहीं मानते हैं, लेकिन आधुनिक के ऐसे विचारक हैं जो वापस उसी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो इन्हें नव उदारवादी भी कहा जाता है, स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख नाम है नोजिक, बर्लिन, हेयक, फ्रिडमैन। तो इसका सही आंसर हो गया हेराल्ड लास्की, लास्की, हॉब्समैन, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की पुस्तकों का काल क्रम बताइए। ये बर्लिन की किताबें हैं टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फॉर एसे ऑन लिबर्टी, वीको एंड हेडर, कार्ल मार्क्स, हिज एंड एनवायरनमेंट। तो कार्ल मार्क्स वाली जो बुक है ये आई थी 1939। टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की यदि अपन बात करें तो ये बुक इनकी रिलीज हुई थी 1958, नोट्स में भी लिखा है अपन ने 1958, और फोर एसे ऑन लिबर्टी ये 1967 या 69 में, कन्फर्म नहीं हूँ, 1967 या 1969 में आई थी, 67 में आई थी या 69 में आई थी। और जो थर्ड है वीको एंड हेडर, ये आई थी 1976, यानी सबसे पहले आने वाली बुक हो गई कार्ल मार्क्स वाली जो डी है, तो डी, उसके बाद में ए, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फिर वी, और सबके लास्ट में 76 में आती है सी, डी ए बी सी। इसका सही आंसर हो गया फोर, बर्लिन की पुस्तकें। सन भी नोट कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स की मैंने बताया है 1939, और टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी ये है 1958। इसका मैं देख के और कन्फर्म बता दूंगा आपको, ये आप देख लेना 1967 या 69 में से है। और वीको एंड हाइडर जो है ये इनकी बुक आई थी 1976 में, सबके लास्ट में यही आई थी। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के पैरोकार कौन है? सामाजिक कल्याण सिद्धांत ये अपन, हालांकि समानता और न्याय का टॉपिक है, इसके समर्थक हैं रोस्को पाउंड और जकरियाह चाफी। चाफी और रोस्को पाउंड इसके समर्थक हैं, ए और बी इसका सही आंसर है, सामाजिक कल्याण सिद्धांत के पैरोकार। लोकतंत्र के कई विरोधियों ने लोकतंत्र को मुख्य रूप से सरकार का रूप माना है। लोकतंत्र के कई विरोधियों ने लोकतंत्र को मुख्य रूप से सरकार का रूप माना है, यानी लोकतंत्र क्या है? जो सरकार है, जो सत्ता है, वही लोकतंत्र है, वास्तव में लोकतंत्र नहीं होता है, ये मानना है लोकतंत्र के विरोधियों का। अगर सरकार का रूप है तो स्वतंत्रता नहीं रही, स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये टॉपिक लोकतंत्र का भी है, ये टॉपिक स्वतंत्रता का भी है। तो ये मानने वाले विचारक कौन कौन हैं? तो ये सभी ऐसा ही मानते हैं। ये भी कानून की बात करता है, ब्राइस, डायसी, जॉन सिले। देखिए इसमें एक कॉमन चीज़ निकल करके आ रही है कि ये सभी कानून को मानने वाले हैं, कानूनी स्वतंत्रता को मानने वाले हैं, और जो कानूनी स्वतंत्रता को मानता है वो सरकार का पैरोकार होता है। लावेल जरूर थोड़ा सा अलग हो जाता है,
तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। कौन मानता है कि आमतौर पर शक्ति का मतलब क्षमता है? कौन मानता है आमतौर पर कि शक्ति का मतलब क्षमता है? डीडी राफेल। किसने लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की 6 उत्कृष्ट बुराइयों की कल्पना की है? देखिए, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि पॉलिटिकल साइंस में जब अपन लोकतंत्र को पढ़ेंगे तो भी स्वतंत्रता कवर होगी वहाँ से भी, जब अपन शक्ति को पढ़ रहे हैं तो भी स्वतंत्रता आ रही है, समानता पढ़ रहे हैं, न्याय पढ़ रहे हैं तो भी स्वतंत्रता आ रही है, और जब स्वतंत्रता को पढ़ा है तो वहाँ भी अपने स्वेच्छातंत्रवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, इनके बारे में बात की है। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत जुड़ी हुई है, आप थोड़ा सा बिलीव कीजिए और साथ में चलते रहिए। यदि आपने विश्वास दिखाया तो यकीन मानिए कि सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर होएगा। किसने लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की 6 उत्कृष्ट बुराइयों की कल्पना की है? यह है जेम्स ब्राइस। कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सॉरी हरार लास्ट की, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। ये बुक्स का नाम है तो इंग्लिश में ही रख दिया। मैकफर्सन की बुक का क्या नाम है, इनको मिलान करना है, तो सीबी मैकफर्सन, इनकी बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल। जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक, जैसा कि आप जानते हैं स्टुअर्ट मिल बहुत ही फेमस है, ऑन लिबर्टी, यानी बी में है 2। और सीले की जो बुक है, सीले की बुक है द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड, और डायसी, इसने लिखी थी लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड, यानी 1, 3, 2 and 4, 1, 3, 2, 4, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द माइंड एंड सोसाइटी, ये बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। ये बुक लिखने वाला विचारक है विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो अपन ने पढ़ा था, विशिष्ट वर्गवादी है, ये कहता है कि स्वतंत्रता, समानता जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तव में समानता, स्वतंत्रताएँ हैं ही नहीं। समाज में एक विशिष्ट वर्ग होता है, उसी का अस्तित्व होता है, लोकतंत्र जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। वास्तव में लोकतंत्र में भी क्या होता है कि कुछ एक वर्ग होते हैं बस, उन्हीं का प्रभुत्व, लोकतांत्रिक देशों में भी उन्हीं का प्रभुत्व होता है, और ये बात सही भी है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको, समानता जब पढ़ रहे थे, कि न्यायपालिका, अपने देश की न्यायपालिका में भी ये एक फैक्ट है जो आपको कहीं भी काम आएगा, किसी निबंध में लिखने में, किसी लिखने वाली एग्जाम में लिखने में, या फिर कहीं पर बोलने में, कि न्यायपालिका में भी केवल 47 परिवार ऐसे हैं अपने पूरे देश में, इन्हीं 47 परिवारों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अब तक, केवल 47 परिवार हैं, जबकि देश में कितने न्यायाधीश काम कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी एक फैक्ट है। तो जो डोमिनियन सिटी की जो मानसिकता है, प्रभुत्ववादी जो मानसिकता है, उससे कोई भी देश निकल नहीं पाता है, ऐसा कहना है विल्फ्रेड पेरेटो का। हु रोट डेवलपमेंट एज फ्रीडम, बहुत ही फेमस बुक, और आई होप कि ये आप सबको पता होगी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, विकास और स्वतंत्रता की बात, अमर्त्य सेन ने की थी, उन्हीं की बुक का नाम है, और समतावादी विचारक हैं अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, ड्वार्किन की तरह, और इन्हें 1999 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हु रोट एसे ऑन लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी, जे एस मिल के द्वारा लिखी गई बुक है एसे ऑन लिबर्टी। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे, थैंक्स।